कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज दोस्तों पहुंच चुका हूं आप लोगों की हाईली डिमांड के ऊपर हरियाणा के अंदर। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सिरसा है, और आज आपके लिए एक खास चीज मैं लेकर आया हूं जो आपको दिखाऊंगा। आप लोगों में से बहुत सारे किसान भाइयों के ये कमेंट थे और मेल थे कि सर लोडर चाहिए ट्रैक्टर के लिए, किस कंपनी का लें या कौन सा बेस्ट है। तो वो सारे सवाल आपके आज की वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे में खड़े हुए हैं मेरे, कंपनी के बारे में या बाकी कुछ चीज़ों के बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा किस कंपनी के हैं, किस तरीके से आप खरीद सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो, चाहे होम डिलीवरी आप इनकी घर पर ही ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। तीन अलग अलग तरीके के लोडर हैं ये आप देख रहे हो। इसकी जो फिटमेंट है, इसकी फिटमेंट पूरी यहाँ से है, पूरा हिच निकल करके, ये पूरा हिच इसका लोडर का अलग से लगता है। तो इसकी फिटमेंट कुछ इस तरीके की है। उससे बाद अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसकी जो फिटमेंट है ये आपके हाइड्रोलिक के ऊपर ही फिट हो जाता है, जो कि पूरी तरीके से हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। इसके अंदर कोई प्रेशर का जैक वगैरह नहीं है। तीसरा लोडर इधर आप देखोगे तो ये खड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर जैक है लेकिन ये हाइड्रोलिक के ऊपर ही लगता है। इसके अंदर आपको हिच वगैरह जो है वो हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको जोड़ना काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों ये तीन कैटेगरियाँ हैं आज हमारे पास लोडर की। ये जो है पूरे तरीके से ये आपका जो है ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक से ऑपरेट होगा, ये दोनों प्रेशर वाले हैं और ये ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक से ऑपरेट होगा। तो अब भाइयों मैं आपको काम दिखा रहा हूँ लोडर का, काम किस तरीके से करता है, क्योंकि आपको हमेशा से बेस्ट चीज़ मैं दिखाता हूँ और लेकर आता हूँ खुद टेस्टिंग करने के बाद। तो टेस्टिंग इसकी जो है आप लोगों के सामने ही है, सारी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रहने वाली हैं। ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, यानी कि प्रेशर जैक इसके अंदर लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये आप देखो किस तरीके से काम ये करता है, ये देखो, ये इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं जो कि जैसे ही आप बकेट को ओपन कर देते हो तो ये खाली बकेट होने के बाद में अपने आप ही लॉक हो जाता है। ये आप देखो, देखा आप लोगों ने अपने आप जो बकेट है इसकी वो लॉक हो जाती है। ये देखो लॉक हो गई, यहाँ से ये लॉकिंग सिस्टम है इसका पूरा। और ऊपर नीचे करने के लिए ये प्रेशर जैक है इसके अंदर, ये देखो, ये यहाँ से इसका जो है लीवर दे रखा है जिससे कि बकेट ये खाली हो जाती है, यहीं से खाली हो जाती है। ऊपर बैठे बैठे कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको ट्रैक्टर से उतरना भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आप लोगों ने देख लिया इसका काम, ये लगा हुआ है मैं आपको दिखा दूँ, ये हाइड्रोलिक पर लगा हुआ है ट्रैक्टर की। और दूसरा जो है वो लगा हुआ है जैक के ऊपर प्रॉपर फिट है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका तो आप लोगों ने देख लिया। अब भाइयों इसका काम आप लोग देखो, ये जो हिच है इसका अलग बना हुआ है, ये आप देखो। और ये ट्रैक्टर है सोनालिका का DI-55। ये आप देखो, इसका देखो भाई आप लोग काम, ये मेरे ख्याल से इसकी ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा रहने वाली है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। ये देखो बकेट खाली होने के बाद में ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग वगैरह हैं वो ये आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह जो है वो लगे हुए हैं। तो बकेट खाली होने के बाद में ये अपने आप यहाँ से जो है लॉक हो जाता है। ये आप देखो, इस लीवर के थ्रू पूरी बकेट जो है वो खाली हो जाएगी। ये आप देखो, ये बकेट खाली हुई और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया और लॉक हो गया। तो मैकेनिज्म की भी अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है, रिलायबल है, मेंटेनेंस की भी दिक्कत लॉन्ग टाइम आपको इसके अंदर नहीं आने वाली है। तो ये आप देखो ट्रैक्टर भी बिल्कुल स्लो रेस में स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ट्रैक्टर के ऊपर या लोड वगैरह की उस तरीके की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप देख ही सकते हो, आप लोगों की सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने ही हैं। ट्रैक्टर आप कोई सा भी लगा सकते हो इसके ऊपर, ये नहीं है कि आपको इतना ही बड़ा ट्रैक्टर इसके लिए जो है सफिशियंट रहेगा या आपको लगाना पड़ेगा। ट्रैक्टर जो आपके पास है उसी ट्रैक्टर पे आप जो लोडर का काम है वो कर सकते हो इजीली। तो ये देखो भाई ऊंचाई देखो कितनी लेके जा रहा है, ये देखो ऊंचाई, तो ये आप लोगों ने भाइयों दोनों ही लोडर का काम देख लिया। वो तो पूरी तरीके से मैकेनिकल है, उसके अंदर जो है हाइड्रोलिक से ही वो ऑपरेट होता है, ये हाइड्रोलिक के ऊपर लगा हुआ है, बट इसके अंदर जो प्रेशर जैक है वो लगा हुआ है, ये प्रेशर जैक के थ्रू जो है वो
ऑपरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तीन कैटेगरियाँ इनके लोडर की जो है वो आती हैं। बाकी इससे अगर आप हैवी चाहते हो या बकेट इसका साइज़ बड़ा चाहते हो या इसकी लेंथ ज़्यादा चाहते हो तो वो भी आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाता है आपकी डिमांड के ऊपर। तो अब मैं आपको सीधा जो कंपनी के ओनर हैं उनके साथ मुलाकात आपकी कराऊंगा, उनके साथ परिचय आपका कराऊंगा और जानेंगे कि इन लोडर्स को आप किस तरीके से ख़रीद सकते हो। अनुभव भाई और जो मैन्युफैक्चरर हैं इनका अनुभव 2008 या 9 से आप ये इस लाइन में हैं तो आप ये भी मान सकते हो या कह सकते हो कि स्पेशलिस्ट हैं लोडर की, एक एक बारीकी या एक एक चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और लगातार जो सुधार हैं इन्होंने किए हैं तब जा करके ये प्रोडक्ट जो है आपके सामने फाइनली ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं बाकी ख़रीदने के बारे में कि आप इसको किस तरीके से ख़रीद सकते हो। आप चाहे इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी जगह से हो वहीं से आप इसको जो है घर बैठे मंगा सकते हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे किस तरीके से कैसे आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने देखा जो लोडर हैं उनका काम किस तरीके का है, कैसा है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने थी। जो टेस्टिंग थी वो आप लोगों के सामने ही की मैंने। अब मैं आपका परिचय जो MD साहब हैं कंपनी के, ओनर साहब हैं, उनके साथ एक बार छोटा सा परिचय आपका मैं करा देता हूं। तो सर सबसे पहले तो सामने से आपको हमारे किसान भाई, दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आप उन्हें अपना कराइए, अपना जो नाम पता वगैरह है और अपना जो एड्रेस है वो उन्हें एक बार कन्फर्म कराइए। कपूर सिंह हमारा नाम है जी, हमारी फर्म भी कपूर एग्रीकल्चर है जी, सिरसा ज़िले में है, मंडी कालांवाली है, रूड़ी रोड पे अपनी फैक्ट्री है जी, तो उत्थे सारी चीज़ बनती है। 2008 के बना रहे हैं, आज 2022 हो गया, 2022 में जो भी कोई कंप्लेंट सी इसमें वो हमने दूर करती। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं ये भी कहूँ कि देखो मार्केट के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में लोडर बना रही हैं, लेकिन एक अनुभव की अगर बात करूं तो अपना अनुभव बहुत पुराना है। हाँ जी, लोगों हाँ के साथ मिलकर आप चले हैं, मिलकर काम किया हाँ है हाँ कि क्या सुधार की जरूरत है आप लोग, आपने वो जो इसकी कोई भी कंप्लेंट भाई किसान लोग बताते थे या कोई डिस्ट्रोडी वाले बताते थे तो हमने उनके कहने पे उनकी बात सुन के हमने उसका वो चीजें इसके अंदर सुधार की है, उनका निवारण आपने किया है। हाँ जी, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से बनाते जा रहे हैं जो हम बुक करवाते हैं, ऑनलाइन बुक करवाते हैं सब, कोई किसी को शिकायत नहीं आती हमारे माल में। एक सवाल का और आप मेरे जवाब दीजिएगा, हमारे किसान भाई को बताइए, अगर आपके यहाँ से कोई किसान भाई लोडर ख़रीदना चाहता है तो किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करे और किस तरीके से आपके यहाँ से ख़रीद सकता है? और एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऑल ओवर इंडिया से आपके पास किसान जो है ख़रीद सकता है आपके लोडर को? पूरे इंडिया में ख़रीद सकता जी, जो हमारा नंबर देते हैं फ़ोन नंबर, उस फ़ोन पर हमारे से बात करे, हम सारी चीज़ उसके ट्रैक्टर की फ़ोटो लेते हैं, उनका आधार कार्ड लेते हैं और जो चीज़ मांगता है उसके ट्रैक्टर के हिसाब से आप जो है डिज़ाइन करके प्रॉपर तब उसको जो है उपलब्ध करा देते हैं। हाँ जी, उसको ट्रांसपोर्ट में बुक करवा देते हैं जी। जी, तो बुकिंग के लिए हम 10,000 डलवाते हैं पहले, बाकी का पैसा डिलीवर होने के बाद में, बाद में ट्रांसपोर्ट में माल पहुंच जाता है उसके बाद हम पैसा डलवा लेते हैं दूसरा जी, तो उसको माल दवा देते हैं ट्रांसपोर्ट से। ये तो नहीं होता सर कि आज के टाइम में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है किराया जी वो ग्राहक का ही होता है, वो किसान को ही देना। हाँ अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आज के समय में फर्जीवाड़ा बहुत है कि पैसे तो डलवा लिए, प्रोडक्ट नहीं भेजा या उस तरीके की दिक्कत है, तो ऐसा तो अपनी कंपनी के साथ में या अपने प्रोडक्ट के साथ में किसानों के साथ नहीं होगा कि एक टाइम उन्हें दिया गया और उस टाइम के अंदर उन्हें प्रोडक्ट ना डिलीवर किया जाए या फिर बिल्कुल डिलीवर ही ना किया जाए, वो चीज़ तो नहीं होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्टी भी भेजते हैं और बिल की फ़ोटो भी भेजते हैं और ट्रांसपोर्ट में 2-4 दिन फालतू लग सकते हैं, ये यानी भी पैसे डलवा लिए तो उनको माल ना मिलेगा, तो इनको जो कोई किसी किसान को या किसी दुकानदार को वहम होवे तो हमारी वीडियो कॉल ले सकता है फैक्ट्री की जी। हम करंट अकाउंट में बिल, पक्का बिल काटते हैं, करंट अकाउंट में पैसे डलवाते हैं जी। वो चीज़ नहीं है कि हाँ भाई फर्जीवाड़ा एक हो गया या फिर किसान को प्रोडक्ट समय पर ना उपलब्ध कराया जाए, वो चीज़ नहीं है, जो आप समय देंगे उस समय के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कराते हैं। फैक्ट्री में वीडियो कॉल लेवे, कितने आदमी काम करते हैं, क्या माल अंदर क्या बनता है जी, लोडर बनता है कि ट्रॉली बनती है जी। तो अच्छा सर, थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कैसी रहने वाली है? क्वालिटी तो पैसे के हिसाब से बन जाता है, जैसे किसान पैसा लगाता है उसी तरह बन जाता है। कई लोडरों में कहने का मतलब ये है, अगर किसान हैवी से हैवी बनवाना चाहे तो अपने यहाँ उसमें से बना सकता है, उसमें सारा सामान JBC के डालते हैं कंपनी का जी। हाँ, जैक भी अच्छी क्वालिटी का, नलकी, पिन बोश, सब चीज़ बढ़िया डालते हैं, बढ़िया ही चलता है जी, माड़ा चलता ही नहीं। तो दोस्तों हमारे साथ जो कंपनी के ओनर साहब हैं वो जुड़े हुए थे, आपको जानकारी दी बेसिक चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से आप खरीद सकते हैं या उस तरीके की कोई दिक्कत तो आपके साथ नहीं होगी कि आपने
प्रोडक्ट जो है ऑर्डर किया और आपको डिलीवर ना किया जाए तो वो भी दिक्कत आपको यहाँ से नहीं होने वाली। एक ट्रस्टेड है क्योंकि 2008 से लेकर आज 22 हो चुकी है, इतना लंबा समय काफ़ी होता है विश्वास बिल्ड करने में या किसानों का भरोसा जीतने में, और उस भरोसे पर कायम रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंपनियाँ तो बहुत सारी मार्केट के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन एक समय कुछ ही समय तक वो मार्केट के अंदर टिक पाती हैं और कुछ समय होने के बाद में वो मार्केट से अपने आप ही गायब हो जाती हैं। कारण होता है कि कस्टमर का, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो किसान का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में वो काम नहीं करती या उसकी संतुष्टि वो नहीं कराते, तो उन सारी दिक्कतों के साथ में वो चीज़ें हो जाती हैं। बाकी इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हो कि 2008 से आज 22 हो चुकी है, तो एक अनुभव है और दूसरी चीज़ किसानों का भरोसा है, तभी आज कंपनी अपने दम पर आज भी प्रॉपर खड़ी है जैसे कि शुरुआत से आपने स्टार्ट की। हाँ जी, बाकी अधिक जानकारी के लिए मैं इनके जो मैकेनिक साहब हैं जो डिज़ाइन करते हैं उनको आपके साथ मुलाकात उनकी कराता हूँ ताकि वो आपको इसकी बारीकियों के बारे में समझा पाएँ कि इसके अंदर बारीकियाँ क्या क्या हैं या क्या कुछ पहले की तुलना में चेंज किए हैं, किन चीज़ों पर ये काम करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं मैकेनिक साहब। तो मैकेनिक साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बारीकियों के बारे में थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको हमारे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं एक छोटा सा परिचय आप उन्हें अपना कराइए। मिस्त्री सतनाम से जी, पूरा एग्रीकल्चर वर्क्स पे मैं काम करता हूँ जी, इसका वर्क। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको यहाँ पर काम करते हुए समय कितना हो गया? मेरे को 6-7 साल हो गए यहाँ काम। 6-7 साल हो गए। आपके साथ कभी कोई व्यवहार में या इनके व्यवहार में उस तरीके कोई दिक्कत तो नहीं लगी? नहीं सर, बदतमीजी से पेश आते हैं जैसे वर्कर के साथ में बदतमीजी से पेश आते हैं जैसे अपनों के साथ? बिल्कुल, ये ऐसे रहते हैं कि एक फैमिली है, उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब मैं आपसे जानता हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि लोडर की कितनी वेराइटियाँ आपने यहाँ पर तैयार की जाती हैं? हमारे पास 7-8 वरायटी है इसकी, जैसे सस्ते सस्ता 25,000 से ऊपर तक, 1.5 लाख तक कहाँ तक मर्जी लगवा लो, जितना पैसा लगवा, यानी कि 25,000 से आपकी स्टार्टिंग होकर ऊपर किसान जितना चाहे उतने हिसाब से अपने डिज़ाइन करा सकते हैं। डिज़ाइन करवा सकते हैं, इससे हैवी माल मिल जाए जी। अच्छा, अंतर की अगर मैं बात करूँ जैसे कि वो तो सिंपल वाला हो गया, ये अपना जैक वाला हो गया, ये प्रेशर जैक वाला हो गया, तो ये क्या अंतर है, इनके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइए, इनसे फ़र्क क्या पड़ता है काम करने के ऊपर? फ़र्क तो जैसे इसमें भी बढ़िया है तीनों जी, इसमें JCB की किली लाड़ रखी है जी, इसमें ग्रीस का भी ग्रीस गन वाला सीन है। हाँ, और ये JCB की पाइप लगाई है हमने हैवी वाली, ये जैक का ये भी पूरा हैवी लगा रखा है जी, और ये लट्ठा है इसकी लंबाई ज़्यादा कर दी है पहले। अच्छा, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये ऊंचाई ज़्यादा लेगा, ऊंचाई हाइट पर ज़्यादा दिखाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, अगर किसान के पास में छोटा ट्रैक्टर है, मान लो उसके पास आइसर ट्रैक्टर है, तो क्या आइसर ट्रैक्टर के साथ में भी अपना लोडर चला सकता है? वो ट्रैक्टर के हिसाब से लोडर दूसरा बन जाएगा। अच्छा, आप ट्रैक्टर के हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं, ये नहीं कि किसान को उसके लिए बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़े या अपना ट्रैक्टर बदलना पड़े, वो चीज़ नहीं है, उसी के हिसाब से बनवा देंगे ट्रैक्टर की फोटो लेके जी, ट्रैक्टर की फोटो लेकर के तब आप डिज़ाइन उसको करा देते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इनकी, जैसे कि इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कम या ज़्यादा आप उसको भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे जितनी जितना किसान चाहे उस हिसाब से करते हैं। बारीकियों के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूँ, देखिए मार्केट के अंदर आज के समय की बात करूँ तो कंपटीशन बहुत है, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों के लोडर हैं, अपने लोडर में क्या खासियतें हैं, किस तरीके से अलग है और किन किन चीज़ों को आप बारीकियों पर लेते हैं और काम करते हैं, वो भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइए। जैसे दूसरे मिस्त्री ने कच्ची पिन डाल रहे हैं जी, लोहे की, हमने JCB की पिन डाल रखी है जी, और हैवी का जैक लगा रखा है जी, डबल स्प्रिंग लगा रखे हैं इसमें जी, और ये बॉकेट है 10 kg का, 8 kg की चादर का, फुल हैवी बनवा रखा है जी। जैसे तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाकियों से अपने लोडर को अलग बना देती हैं। हाँ, अलग बना रहे हैं हम जी, हैवी बड़ा बना रहे हैं जी, पैसे उतने हैं जी। अच्छा, कॉस्ट वही रहेगी और जो क्वालिटी है वो किसान को बेस्ट मिलेगी ताकि लंबे समय तक उसको मेंटेनेंस की दिक्कत ना आए। बाकी सर, थोड़ा सा जो अपना पता है प्रॉपर वो भी हमारे किसान भाई को बताइए ताकि अगर किसान भाई आना चाहे यहाँ पर विजिट करना चाहे तो वो कर पाए आपके यहाँ। मंडी कालावाड़ी जी, रोडी रोड तारुवाना जी, जिला सिरसा जहाँ। बाकी दोस्तों, इन्होंने आपको जो एड्रेस है यहाँ का वो बता दिया है, बाकी जो प्रॉपर एड्रेस है या लोकेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा ताकि आपको आने में बिल्कुल कोई परेशानी ना हो, इजीली आप यहाँ पर विजिट कर पाएँ। और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के नीचे भी आपको सो रहा होगा, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेना और अपने हिसाब से जैसा प्रोडक्ट चाहें आप इनके पास व्हाट्सएप करें या आपको फोटो शेयर करेंगे तो उस तरीके से आप जो है डिज़ाइन यहाँ पर करा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई आज की वीडियो में, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में किसान के पास भी विजिट करूँगा और किसान भाई से भी जानूंगा कि इनको समय कितना हो गया और इनका जो काम है या इनके लोडर की जो
क्वालिटी है वो किस तरीके की है, उसके ऊपर क्या काम किया है इन्होंने, तो वो भी जानने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो उसके लिए चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सारी कुछ चीज़ें मैंने वीडियो में आपको दिखाई, टेस्टिंग आप लोगों के सामने ही की थी मैंने कि क्या चीज़ है प्रोडक्ट की, क्या क्वालिटी है, काम किस तरीके से करता है। बाकी ओनर साहब के साथ में आपकी मुलाकात कराई, जो मैकेनिक साहब हैं उनके साथ में आपकी मुलाकात कराई, सारी कुछ चीज़ें आप लोगों ने जानी। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसी तरीके की अगर आप नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर भी हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि वहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।